दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए और ये स्पेशली YouTube की तरफ से अपडेट YouTube में नहीं किया गया है दोस्तों, ये अपडेट जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों मेरा नाम है देव सहानी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्नो गुरुदेव आपको आपके यूट्यूब करियर को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं क्या है नया नियम और अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो अब जो है आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नया अपडेट है ये YouTube की तरफ से नहीं है, ये अपडेट दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो भी लोग सोशल मीडिया पर स्पॉन्सरशिप करते हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट का स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए है। अगर दोस्तों आप भी कुछ ऐसा कर रहे थे तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम में, मतलब कि 2-3 साल पहले, कोई भी हम स्पॉन्सरशिप करते थे तो उसमें दोस्तों हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये पेड प्रमोशन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ब्रांड की तरफ से जो है पैसे मिले हैं। लेकिन दोस्तों बीच में एक नया नियम लागू किया जाता है एस्कॉई की तरफ से, जो कि है एडवर्टाइज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से एक नियम लागू किया गया था दोस्तों कि जो भी लोग पेड प्रमोशन करते हैं उनको अपने वीडियो में बताना होगा कि उनका ये जो वीडियो है वो पेड प्रमोशन है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि YouTube पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेड प्रमोशन चेक करने का, अगर आप अपनी वीडियो में कंपनी या ब्रांड से कोई भी पैसे लिए हैं तो उसको पेड प्रमोशन आपको चेक करना होता है। और अगर आप अपनी वीडियो में किसी कंपनी या ब्रांड का पेड प्रमोशन कर रहे हैं और अगर आप उस ऑप्शन को चेक नहीं करते हैं तो यहाँ पर तो यूट्यूब का रूल आपने तोड़ा ही है। साथ ही में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का भी एक नया रूल आ गया है कि जो भी लोग पेड प्रमोशन कर रहे हैं उनको अब बताना होगा। अगर वो पेड प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन उसको छिपा ले रहे हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं, तो आप पर दोस्तों जुर्माना लगाया जा सकता है, वो भी एस्कॉई की तरफ से। दोस्तों इस पर सारे न्यूज चैनल जो है आज शो कर रहे हैं इसको, आप देख सकते हैं, आपको देखने को न्यूज मिला होगा, मैं आर्टिकल भी दे दूंगा, वहां से आप जाकर रीड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पेड प्रमोशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। अगर आप किसी का भी, किसी भी ब्रांड, किसी कंपनी का पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो अब आपको वीडियो में शो करना होगा, उसका बैच लगाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको भारी भरकम जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना का नियम इसमें है, आपको 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आप कंटिन्यू ऐसा करते हुए फिर दोबारा पकड़े जाते हैं तो आपको 20 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है नया अपडेट है और इसको लेकर आपको सख्ती बरतना होगा, आपको भी जो है केयरफुल होना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि YouTube के या किसी भी सोशल मीडिया पर आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि Instagram, Facebook, Twitter या आप YouTube पर किसी का भी पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको पेड प्रमोशन वीडियो में बैज लगाना जरूरी है। तो दोस्तों ये सब आपको अब करना है आगे से, अगर आप नहीं कर रहे थे और आपकी जो पहले की वीडियो है अगर उनमें जो है आपने पेड प्रमोशन किया हुआ है तो आप जाकर सेटिंग में उसको पेड प्रमोशन इंक्लूड कर दीजिए। YouTube के सेटिंग में आप जाएंगे, वीडियो एडिट के सेटिंग में, तो वहां पर इंक्लूड पेड प्रमोशन का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको चेक कर दीजिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यार आपको डरा दिया, डरने की बात नहीं है, अगर आप पेड प्रमोशन करें तो यार डायरेक्टली बोल देना, क्योंकि बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए वो नियम आया है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।